श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल टोहाना ब्रांच द्वारा नासा किट वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद प्रधान नरेश बंसल ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि आज का युग स्मार्ट वर्क और वैज्ञानिक का है। हम युवा को शुरुआती समय से इसके बारे में जानकारी से अवगत कराएंगे तो भविष्य में विज्ञान बहुत तरक्की कर सकता है। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल नागार्जुन रेड्डी, रीजनल इंचार्ज संजीव असीजा एवं अकेडमी इंचार्ज धीरज सेठी ने भी जानकारी दी। स्कूल प्रिंसिपल नागार्जुन रेड्डी ने कहा कि वह पिछले 3 महीने से बच्चों को वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं, जिससे भविष्य में वह अपने स्कूली बच्चों को USA नासा सेंटर में भी भेजने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि यह अपने स्कूल में 6ठी कक्षा से ही बच्चों को IIT NEET फाउंडेशन की तैयारी करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, ताकि वह बच्चों को वैज्ञानिक युग में अच्छी शिक्षा देकर उनको लक्ष्य तक पहुंचा सके। इस अवसर पर स्कूल का साइंस डिपार्टमेंट मौजूद रहा और उन्होंने आए हुए अतिथिगणों का आभार प्रकट किया। एकेडमिक ईयर 2023-24 में श्री चैतन्य ने एंटर किया है टोहाना। ऑफकोर्स टेक ओवर स्कूल है, बट इनिशिएशन बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट किया है और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आज हमने इनिशिएट किया है वेरी स्ट्रांगली फ्रॉम आर एंड। 23 चिल्ड्रन एग्जैक्टली फ्रॉम टोहाना, नॉट लाइक अदर ब्रांचेस लाइक और कहीं और के प्लेसेस से नहीं है, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम टोहाना 23 बच्चे को हमने सेलेक्ट किया है। 6वीं से लेके 10वीं के अंदर के जो भी बच्चे हैं, नासा स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट होता है US में, उसके लिए सेलेक्ट करके हमने उनको ट्रेनिंग भी दिया है। हैदराबाद से वर्चुअल ट्रेनिंग चल रहा है और स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग चल रहा है। ये हमारे नासा इंचार्ज हैं, कम एकेडमिक डीन हैं, जो क्लोजली एकेडमिक्स देखते हैं। आज हमने इधर गैदर होने का मेन मकसद यह है कि उनको चेयरमैन जी से एक बार मिलवाएं, उनका ब्लेसिंग्स दिए जाए और जो भी नासा किट्स हमारे हेड ऑफिस से आते हैं उनके प्रेजेंस में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सो दैट वो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो भी वो अब एट प्रेजेंट कर रहे हैं और थोड़ा तगड़े दिल से और थोड़ा और मेहनत से हार्ड वर्क करके अच्छा करेंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छा उधर डिस्प्ले करेंगे प्रोजेक्ट्स, वट एवर प्रोजेक्ट्स दे आर एक्चुअली डूइंग इट, एंड आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट माई टीम ऑल्सो हु हैव बीन इन्वॉल्विंग। फॉर एग्जाम्पल इफ हैव टू टॉक अबाउट मिस नेहा मैम, शी इज इन्वॉल्विंग इन in the art and craft part. He is the NASA in charge who heads the entire project. She is like, they both are from the science department, so NASA is obviously related to science department. So honestly saying, more than me, these are my strength. Session 2024-25 की बात करें, अभी ये एक छोटा सा initiative है हमारे like, पास बहुत सारे initiatives है, उसमें एक है जो थोड़ा बड़े और prestigious level में देखा जाता है entire Sri Chaitanya group pan India में। Can we say this is just a trailer? No, this is actually not a trailer. This is the picture only, but still, for Tohana, this is new initiative. This actually happens across Pan India in all the Sri Chaitanya group, but from Tohana, we are very happy that 23 children coming forward and participating is not that easy. And for the upcoming next, like 24-25, we are expecting more participation, more selections, and more US visiting students as well. 24-25 में और भी बहुत ज़्यादा एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो मेजर एडुटेनमेंट के रूप में होते हैं, जहां बच्चे का थोड़ा एंटरटेनमेंट एंगल भी कवर होता है, ताकि उनको कंटिन्यूस एकेडमिक्स की वजह से बोर ना होए। और एट द सेम टाइम हमारा जो सिलेबस है कम्प्लीटली अलग है, हम टेक्नो जो होता है मीन्स एक्सटेंडेड करंट ट्रेंड की हिसाब से जो भी एकेडमिक ज़रूरत होती है उसको कवर करते हुए इंटीग्रेटेड करिकुलम के दौरान हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं। इसी की वजह से हमारा 2023 एकेडमिक ईयर में IIT हो या NEET हो, IIT में JEE मेंस एंड एडवांस, ऑल थ्री वी हैव बैग्ड रैंक नंबर 1 अक्रॉस पैन इंडिया। चलो थैंक यू। आज हमारे नगर परिषद में चैतन्य स्कूल के जो 23 बच्चे नासा के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो आ जाए थे, पहले तो सबसे पहले इनका मैं अगर नगर परिषद कार्यालय में आने पे बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ इनका पूरा का पूरा, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल और जो स्टाफ है सारा का सारा हमारे नगर परिषद कार्यालय में आया, इनका स्वागत है। और आज इन्होंने जो नासा के अंदर बच्चे जाएंगे उसको किट देकर उनको सम्मानित किया गया है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ताकि हमारे टोहाना के बच्चे
आगे जाके और भी अपना टोहाना का नाम रोशन करे और स्कूल का भी नाम रोशन करे। चैतन्य क्षेत्र में चैतन्य स्कूल जो एक अहम कड़ी का काम करेगा उस शिक्षा के क्षेत्र। बिल्कुल, हम तो यही एक आशा करते हैं हमारे टोहाना के जो उभरता हुआ स्कूल है ये चैतन्य, कि टोहाना का नाम रोशन करे, इनके बच्चे बहुत आगे तक जाए शिक्षा के क्षेत्र में या खेल कूद के क्षेत्र हो, सभी में इनका नाम हो। पहले मैं प्रिंसिपल साहिबान का, प्रधान जी का और जो पार्षद और स्टाफ पत्रकार साथी हैं उनका यहाँ पे आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो प्रधान जी ने सभी बातें यहाँ पे बता दी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अलग ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर में जो कल्पना चावला पार्क है वो भी नासा से ही संबंधित थी। आशा करते हैं कि उनके कदम पे चलते चलते हमारे बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे और टोहाना का नाम रोशन करें।